जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने परसों घात लगाकर हमला किया, जिसमें उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। आज उन शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और शहादत का बदला मांगा जा रहा है। शहीद कमल सिंह जून महीने में ही छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे और जुलाई में उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा। पौड़ी के रहने वाले शहीद कमल सिंह रावत का पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा तो सैकड़ों की संख्या में लोग वतन के बलिदानी को विदाई देने पहुंचे। ताबूत में पार्थिव शरीर लेकर सेना के जवान जैसे ही पापड़ी गांव में घर के दरवाजे पर पहुंचे, पूरा गांव शोक में डूब गया। पत्नी रजनी और बच्चों का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। शहीद कमल सिंह अपनी पत्नी के साथ 2 बेटियों को पीछे छोड़ गए। बड़ी बेटी 10 साल की है, छोटी की उम्र 5 साल है। दोनों बच्चे समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये क्या हो गया है। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। कमल इकलौते थे जिनसे पूरा परिवार चल रहा था। घर में माँ है, बूढ़ी दादी है, पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं। घर के पास नाते रिश्तेदार और आसपास के लोगों की भीड़ लगी थी। कोई दुपट्टे से आंसू पोंछ रहा था तो कोई पल्लू से आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। परिवार से लेकर गांव तक सब सदमे में हैं, लेकिन गर्व है कि गांव का बेटा देश के लिए शहीद हुआ। इस वक्त पौड़ी जिले में मैं मौजूद हूं और पापड़ी गांव है, जहां ये गांव की बात करें तो शहीद कमल सिंह रावत का ये गांव है और उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त उनके गांव में लाया गया और परिवार के पास अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और अब अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। और ये कमल सिंह रावत का पूरा गाँव देखिए उमड़ा हुआ है उनके घर पर, आखिरी विदाई देता हुआ, श्रद्धांजलि देता हुआ, नमन करता हुआ, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, देश के लिए शहीद हो गए। और कमल सिंह रावत के बारे में बताएं तो शुरुआत से ही जो ये गांव के लोग बताते हैं कि फौज में जाने की इच्छा थी, बचपन से तैयारी की, फौज में गए और उसके बाद फौज में ही देश के लिए शहीद हो गए। शहीद हवलदार कमल सिंह ने हमले से कुछ ही देर पहले वीडियो कॉल पर पत्नी रजनी से बात की थी, लेकिन क्या पता था कि ये आखिरी बात हो रही है। सैनिक सम्मान के साथ शहीद कमल सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। साथी जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और वतन के बलिदानी को आखिरी नमन किया। शहीद हवलदार कमल सिंह साल 2007 में सेना में भर्ती हुए थे और इस समय 22वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। इस वक्त उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा गांव, सिर्फ उनका गांव नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी गांव से लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं।
क्या कहना चाहेंगे उनको, कैसे याद करना? और हमें गर्व है उन पे कि इतने बड़े क्षेत्र में हमारा पूरा ये पैनो क्षेत्र है, कम से कम इसमें 20 से लेकर के 30 गांव तक हैं, और सभी गांव के लोग, अगल बगल के गांव के भी, दूर के भी सभी लोग यहां पे उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। बहुत गरीब परिवार से थे और बचपन से ही, जब से पैदा हुए हम तो 60 साल के होने वाले हो, हमारे सामने बच्चे के समान है। उसने बहुत बड़ी परिश्रम किया और बहुत बड़ी परिश्रमों के बावजूद थोड़ी जिंदगी सुधरी थी, परिवार सुधरा था, और आज सारा परिवार बिखर चुका है। परसों कठुआ में आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर गोलियां बरसाई, जिसमें कमल सिंह शहीद हो गए। देश अपने बलिदानी सपूत को श्रद्धांजलि देता है। इकतालीस साल के शहीद आनंद सिंह रावत रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे। परिवार देहरादून में रह रहा था। शहादत की खबर मिली तो बेटों के साथ पत्नी गांव पहुंची। पति के पार्थिव शरीर को ताबूत में बंद देखकर कलेजा फट गया। गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। शहीद नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर पहुंचा, पत्नी विजया ताबूत से लिपट कर रोने लगी। बूढ़ी माँ का भी यही हाल रहा। रुद्रप्रयाग के कांडा भरदार गांव के रहने वाले थे 41 साल के आनंद सिंह रावत। देश सेवा का ऐसा जज्बा था कि इंटर पास करने के बाद ही साल 2001 में सेना में भर्ती हो गए। आनंद सिंह रावत अपने पीछे पत्नी विजया रावत के साथ दो बेटों अंशुम और मनीष को छोड़ गए हैं। पूरा परिवार देहरादून में रहता था। आनंद सिंह रावत की शहादत के बाद अंतिम संस्कार के लिए सभी लोग कल ही गांव पहुंच गए। शहीद आनंद का गांव वालों से एक अलग ही लगाव था। जब भी वो गांव आते, बहादुरी के किस्से संगी साथियों को सुनाते। आनंद सिंह रावत इस साल होली से पहले महीने भर की छुट्टी लेकर गांव घूमने गए थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो छुट्टी उनके जीवन की आखिरी छुट्टी साबित होगी। पहाड़ों के बीच बसे गांव में शहीद के अंतिम संस्कार में सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। साथ ही जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी। शहीद विनोद भंडारी की बात करें तो उनकी बेटी तो महज 3 महीने की है, बेटा 4 साल का। बेटी ने तो ठीक से पिता को अभी ना जाना था न पहचाना था, लेकिन सिर से साया उठ गया। 4 साल के बेटे को पता भी नहीं कि क्या हुआ है। पत्नी माँ सहित घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तीन महीने की इस मासूम ने अभी जमीन पर पैर भी नहीं रखे थे कि सिर से पिता का साया उठ गया। आखिरी बार शहीद विनोद इसी बेटी के नामकरण के लिए जन्म के समय घर आए थे और अब इस बार ताबूत में पार्थिव शरीर आया है। सुबह जैसे ही शहीद विनोद का पार्थिव शरीर लेकर सैनिक उनके घर पहुंचे तो पत्नी नीमा दहाड़ मारकर रोने लगी।
बूढ़ी माँ और दादी का भी यही हाल है। 4 साल का बेटा समझ नहीं पा रहा कि आखिर हुआ क्या है। उसकी निगाहें पिता को तलाश रही हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है विनोद भंडारी जी शहीद के घर पर, और उनका परिवार गमगीन परिवार नजर आएगा। घर में जो परिस्थिति है वो भी आप देखिए, तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं हम आपको। शहीद विनोद भंडारी जी की माता जी आपको नजर आएंगी, छोटा सा परिवार उनका, छोटा सा बच्चा, छोटी सी बेटी आपको तस्वीरों में नजर आएगी, और इस बात से आप समझ सकते हैं कि परिवार के लिए कितना बड़ा दुख है। पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद लांस नायक विनोद भंडारी का अंतिम संस्कार ऋषिकेश में किया गया। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर अजातिका सिंह जब शहीद के घर पहुंची तो माँ बदहवास थी और परिवार वाले उन्हें दिलासा दे रहे थे। माँ ने रविवार को बेटे से बात की थी, लेकिन क्या पता था कि बात आखिरी होगी। अम्मा, आखिरी बार बेटे से कब बात हो पाई थी? पर्ची करते हुए न फोन में को जरी न अपने घर से वेद नहीं कर बाबो। इतवार को बात हुई थी माँ से इनकी, फिर उसके बाद बात ही नहीं हो पाई। हाँ, फिर मैसेज ही आ गया कि ऐसे। शहीद विनोद साल 2011 में सेना में भर्ती हुए थे और 10वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। तीनों बहनों के इकलौते भाई थे शहीद विनोद। अब जिंदगी इन तस्वीरों के सहारे यादों में सिमट गई है। 26 साल के शहीद आदर्श देश की सेवा का सपना लेकर सैनिक बने थे। दुश्मनों से लोहा लेने का इरादा रखते थे, लेकिन परसों कायर आतंकियों ने छिपकर वार किया और आदर्श शहीद हो गए। आदर्श ने के परिवार वालों की बात की जाए तो उन्होंने अभी जिंदगी के सपने देखने शुरू ही किए थे कि सपने सपने ही बनकर रह गए। भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ शहीद आदर्श नेगी की अंतिम यात्रा निकल रही है। मुर्दाबाद, पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, आदर्श नेगी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, आदर्श नेगी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। 26 साल के शहीद आदर्श टिहरी जिले के थाती के रहने वाले थे। इस परिवार पर दुखों का दोहरा पहाड़ टूटा है, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही आदर्श नेगी के चचेरे भाई शहीद हुए थे। अभी 30 अप्रैल को उनका बड़ा भाई मेजर पन्ने नेगी आलसो वो लेह में हो गया। एक ही परिवार के, एक ही ब्लॉक के दो दो भाई चले गए हैं। ये बड़े दुख का है, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपना शहादत दे करके प्रदेश का नाम, अपने जिले का नाम रोशन किया है। आदर्श साल 2018 में सेना में भर्ती हुए थे और 6 साल तक मां भारती की सेवा करते हुए वतन के बलिदानी हो गए। शहीद आदर्श के घर में मां पिता, नाते रिश्तेदार सब की आंखें नम है। शहीद आदर्श अपने पीछे मां पिता के साथ दो भाई और बड़ी बहन को छोड़ गए हैं। वीर शहीद आदर्श निजी की जो अंतिम यात्रा थी, जिस तरीके से लोग पूरे क्षेत्रवासी जो है उस यात्रा में शामिल हुए, जगह जगह लोग खड़े थे। निश्चित तौर पर हमारे एक ऐसा लाल जो है वीरगति को प्राप्त हो गया है। मुंबई में सत्ताधारी शिवसेना नेता के बेटे पर हिट एंड रन का आरोप लगा है और अब इस आरोप पर सियासी घमासान मचा है। आरोपों के घेरे में सरकार और पुलिस है। बीएमसी ने आज उस पब पर बुलडोजर चलाया है जहां आरोपी मेहर ने शराब पी थी, लेकिन इस पूरे कांड में सिस्टम की भूमिका पर जो सवाल खड़े हुए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं।
का बुलडोजर उस पब पर चल रहा है जहां वर्ली हिट एंड रन केस के आरोपी मिहिर शाह ने ड्रिंक की थी। जुहू इलाके में स्थित वाइस ग्लोबल तपस बार में आज सुबह पीएमसी का बुलडोजर आया और एक्शन शुरू हो गया। वर्ली हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को पुलिस ने घटना के तीसरे दिन गिरफ्तार किया और फिर बार पर बुलडोजर वाला एक्शन शुरू किया। रसूखदार परिवार से संबंध रखने वाले मिहिर शाह और हिट एंड रन केस के बारे में सबसे पहले समझते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर इस मामले ने कैसे महाराष्ट्र में सियासी भूचाल ला दिया है। रविवार की सुबह करीब 5:30 बजे मिहिर शाह ने वर्ली में स्कूटी सवार कपल को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी दोनों पति पत्नी कार के बोनट पर गिर गए। पति खुद को बचाने की कोशिश में बोनट से तुरंत कूद गए लेकिन पत्नी नहीं उठ सकी। भागने की हड़बड़ी में आरोपी ने महिला को कुचल दिया और कार से घसीटता हुआ चला गया। महिला को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। इस खबर ने पूरे मुंबई में खलबली मचा दी क्योंकि मिहिर शाह सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गुट के बड़े नेता राजेश शाह का बेटा है। मिहिर शाह फरार हो गया और घटना के तीसरे दिन करीब 60 घंटे बाद पुलिस की गिरफ्त में आया। पुलिस के सामने मिहिर ने अपना गुनाह कबूल किया। पूछताछ के दौरान मिहिर ने कहा, मैं ही घटना के समय कार चला रहा था। हादसे के बाद मैं बहुत डर गया था। मेरे पिता घटनास्थल पर आए थे लेकिन पिता के आने से पहले घटनास्थल से निकल गया था। पुलिस की पूछताछ में मिहिर ने कबूल किया है कि हादसे के वक्त गाड़ी वो ही चला रहा था। अब तक हुई जांच में पुलिस को जो टाइम सीक्वेंस मिला है उसी आधार पर पुलिस ने मिहिर से पूछताछ की। पूछताछ में मिहिर ने सभी टाइमलाइन को कंफर्म किया है। पुलिस ने इस बीच मिहिर की मां और दोनों बहनों का बयान दर्ज किया। मिहिर की देर से गिरफ्तारी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। मिहिर शाह को जानबूझ के 5-6 घंटे के अंदर अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? 2 दिनों फरार था ताकि कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तब मिहिर शाह के दारू पीने का सवाल नहीं आता क्योंकि उसका ब्लड सैंपल का रिपोर्ट निगेटिव आएगा। इस प्रकार से उसके ऊपर सिर्फ निग्लिजेंस ड्राइविंग का केस लग सकता है। हमारा आरोप है कि मिहिर शाह को जानबूझ के फरार किया गया क्या, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ में उसका संबंध था, उसके लिए उसको फरार करने का मौका दिया गया। मैं तो ये कहूँगा कि इसकी SIT मार्फत जांच होनी चाहिए। जब वो आरोपी 48 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद में वो अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं ये पता थोड़ी चलेगा, इसीलिए उसको छुपाया गया। पुलिस को पता था कि वो कहाँ है फिर भी उसको नहीं, उसके 2 बार उसने खुद की टेस्ट करवाई और उसको जब लगा कि अभी मेरे बॉडी में अल्कोहल नहीं है तभी वो आके सरेंडर हुआ और पुलिस ने दिखावा किया। कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है जो गुनाहगार है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मिहिर राजेश शाह को जो पकड़ा गया है 60 घंटे लगभग लगे हैं। मेरा यही सवाल है कि 60 घंटे क्यों लगे? जो CCTV में दिख रहा है, जो ड्राइवर ने भी कहा है, जो विक्टिम है उन्होंने कहा है, नाकवा जी ने कहा है, उसे मर्डर जैसे ही ट्रीट किया जाए। पीड़ित परिवार भी आरोपी की फांसी की मांग कर रहा है। We should get justice. My mother should get justice. I want him to get this hanging. Like she is in really bad pain. उसको बहुत लगा है। I saw her with my eye. The hospital. I saw her. She is in really bad pain. I want her justice. मीर शाह के पिता राजेश शाह से शिवसेना शिंदे गुट ने भी दूरी बनाना शुरू कर दिया है। आरोपी के पिता राजेश शाह को पार्टी ने उपनेता पद से हटा दिया है। पूरा देश इस वक्त नखवा परिवार के साथ खड़ा है। उम्मीद है पुलिस और कोर्ट पूरे मामले की तह तक जाएंगे और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर मिसाल पेश करेंगे। बस दुर्घटना से जुड़ी एक खबर। बिहार से दिल्ली आ रही बस यूपी के उन्नाव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। जिनकी मौत हुई वो बेहतर जिंदगी का सपना लेकर घर से निकले थे लेकिन ड्राइवर की लापरवाही ने मौत की नींद सुला दिया। इस घटना को लेकर सवालों के घेरे में सड़क से लेकर सिस्टम तक है। कहते हैं इस रात की सुबह नहीं तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। घड़ी में सुबह करीब 5:15 बज रहे थे। स्लीपर बस थी, लोग इत्मीनान से सो रहे थे। बस तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी तभी दूध से भरा हुआ टैंकर सामने आता है। बस टैंकर के बीच जोरदार टक्कर होती है। हादसा इतना भीषण था कि आसपास के गांव तक टक्कर की आवाज सुनाई पड़ी। लोगों को लगा कि कहीं कोई बम धमाका हुआ है। एक्सप्रेसवे
चीख पुकार से गूंज उठा। 18 लोगों की जान चली जाती है, 19 लोग घायल हो जाते हैं। करीब 57 लोग यात्री एक प्राइवेट बस में सफर कर रहे थे, जो शिवहर से दिल्ली के लिए बस जा रही थी, उसमें 18 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह जो 5:15 बजे एक्सीडेंट हुआ एक दुग्ध कंटेनर से, और 19 लोग इंजर्ड हैं और करीब 20 लोग इसमें सेफ थे, जिनको हम लोग दिल्ली के लिए रवाना कर रहे हैं। खबर मिलते ही प्रशासन सक्रिय होता है, राहत और बचाव का काम शुरू होता है। 5 घायलों को लखनऊ और एक को कानपुर भेजा जाता है। तो रात में करीब 4:00 बज रहा था, एक बार आवाज आई तेज थी, जब हम लोग आँख खोले उठे तो दिखा कि बस की आधी हिस्सा टूट चुकी थी। जैसे करके बाहर निकले तो देखा बहुत ही बड़ी पड़ी थी। गोरखपुर और बस्ती के बीच में गुरु नानक ढाबा है, उस पर लोगों ने खाना खाया है। उसके बाद में थोड़ा गाड़ी में इन्होंने गड़बड़ शुरू किया चलाना। अच्छा, तो रात में वहाँ पे कुछ किया हो, ड्रिंक वगैरह या ना किया हो, सो रहे थे सब लोग। दर्दनाक हादसे पर यूपी से लेकर बिहार तक हड़कंप मच गया। यूपी सरकार ने घटना की वजहों की जांच कराने की बात कही है। अब ये पूरे घटना के कारणों की जांच करके बाद हम कह पाएंगे, लेकिन अभी तत्काल ये है कि घायल जो है उनको हम तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस बस की टक्कर हुई है उसके शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस के कागजों में दर्ज पता फर्जी है। बस खेती किसानी करने वाले व्यक्ति के नाम से महोबा जिले में रजिस्टर्ड थी। दिल्ली का रहने वाला चंदन जायसवाल पहाड़गंज से बसों को संचालित करता है, ना तो बस का परमिट था और ना ही कोई बीमा। फर्जी बस रोड पर कैसे चलाई जा रही थी, इस पर हड़कंप मचा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। अखिलेश ने एक्सीडेंट को बीजेपी सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया। उधर एक्सीडेंट की खबर से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। बस महोबा जिले के पते पर रजिस्टर्ड थी। आरटीओ उदयवीर सिंह ने अपनी टीम के साथ महोबा एआरटीओ का दौरा किया और फाइलों को खंगाला। चूंकि स्थायी पता दर्ज नहीं होता है, पुराना जो है स्थायी पता दर्ज किया गया था, तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दर्ज किया गया था, तो उनकी चूंकि जांच हुई कि किस संबंध में ये जो है पता दर्ज हुआ, उनकी सारी पत्रावली जो है मुख्यालय में जांच के घेरे में है और जांच उन पर की जा रही है। दूसरा ये है कि चूंकि वहाँ राजस्थान का स्वामी है और ये जो है इस तरीके की गाड़ी का संचालन किया जा रहा था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है और हम लोग उस पर कार्रवाई कराएंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के भी बयान सामने आए हैं। बस मालिक पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस रूट से बिना फिटनेस और परमिट के बस निकली थी उससे संबंधित परिवहन अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई इस घटना की जांच पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। न जाने कितनी बसें नियमों को तोड़ सड़कों पर चलाई जा रही हैं। जब भी हादसे होते हैं जांच में कई खामियां हर बार सामने आती हैं, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर गाड़ियां इसी तरह सरपट दौड़ती हुई दिखाई देती हैं और जब हादसे हो जाते हैं तब सवाल उठाए जाते हैं। इस पर रोक कब लगेगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है।